भाइयों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। तो कैसे आप लोग भाई, उसे बढ़िया होंगे। तो बीती रात में बहुत तेज आंधी आई थी, उसमें लगभग कहीं भी एक घंटे तक आंधी तूफान चला था और बहुत खतरनाक हवा थी। मतलब आज तक के जीवन में मैंने ऐसी हवा आज तक नहीं देखी। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या नुकसान हुआ है हमारे गजेंद्र जी के खेत पे। ये आप देख सकते हैं गजेंद्र जी का ट्रैक्टर, जो कि है न्यू हॉलैंड 3037। तो ये जो आम का पेड़ है, ये हमारे गजेंद्र जी के ट्रैक्टर पे गिर चुका है। तो इसमें काफी नुकसान हुआ है इनका। ये जो ट्रैक्टर का छत है, ये पूरा टूट चुका है इस आम के पेड़ गिरने कारण। और ये जो साइड के मडगार्ड है, ये भी बिल्कुल तिरछे हो चुके हैं। उधर का भी यही कंडीशन है। बहुत अच्छा है कि आम का पेड़ आगे नहीं गिरा, नहीं तो ये पूरा जो बोनट है ये पूरा खत्म हो जाता। और जो ट्राली है उसके कारण और ज़्यादा बचत हुई है ट्रैक्टर की, क्योंकि जितने भी पेड़ है वो सब ट्राली पे टिक गए हैं। ये आप देख सकते हैं कि ट्राली के ऊपर जितना भी पेड़ का हिस्सा था वो उस पर टिक गया, उसके कारण ये पेड़ डूब गया। तो इतना ही नुकसान हुआ है। ये आप देख सकते हैं पाइप भी टूट के पूरा नीचे आ गया, सीट पे टच हो गया है। और आपको आसपास से दिखाता हूँ पूरी डिटेल। और जो आम की जितनी भी केरिया थी वो सब इधर नीचे गिर गई थी, वो मैं आपको एक वीडियो डालूंगा, उसमें दिख जाएगी। क्योंकि अभी तो कोई केरी है नहीं, क्योंकि सब जितने भी इधर के मजदूर थे वो सारी केरी इधर से उठा गए। मेरे पास क्लिप पड़ी है, वो मैं डाल दूंगा इसमें, तो आपको दिख जाएगी पूरी कि कितनी केरिया नीचे गिर गई थी। तो ये आसपास आप केरिया देख सकते हैं कि कितनी क्या गिरी हुई है। ये है केरी, जो कि कच्चे आम भी बोलते हैं बहुत सारे लोग इनको। तो ये आप देख सकते हैं सब दूर गिरी हुई पड़ी है। ये यहाँ से टूटा था पेड़। ये क्या है कि इसमें शायद कीड़े लगने के कारण ये पेड़ हो चुका था कमजोर, जो कि हवा जो आई थी वो सहन नहीं कर पाया ये पेड़। बहुत ही बड़ा पेड़ था ये आम का। ये इधर भी कल्टीवेटर और सीडिल के ऊपर गिर गया है पेड़। सीडिल भी इसके वजन के कारण टेढ़ी हो चुकी है, थोड़ी सी पीछे आ गई है। और ये रहे हमारे गजेंद्र जी, जिनका ये खेत था और जिनका ये ट्रैक्टर है। ये आप देख सकते हैं कि पूरा ट्राली के ऊपर गिर गया है पेड़। और बाकी की जानकारी अब आपको गजेंद्र जी देंगे। गजेंद्र जी बताइए, आप क्या है इस नुकसान के बारे में, क्या कर सकते हैं? तेज हवा या आंधी रात को अपन तो नींद के आगोश में थे और ये नुकसान हो गया आपके सामने। बहुत ही भारी नुकसान हुआ इनका। वो तो अच्छा है कि ये ट्राली थी जिसके कारण गजेंद्र जी का ट्रैक्टर बच गया है। ये तो ट्रैक्टर में भारी नुकसान हो सकता है, ये तो ट्रैक्टर में और ज़्यादा नुकसान हो सकता था। तो ये इसकी पूरी डिटेल अब आएगा। गजेंद्र जी ने पेड़ काटने वाले को फ़ोन लगाया है, वो कहीं भी आधे घंटे में आएगा और पूरा पेड़ काट के ट्रैक्टर को बाहर निकालेंगे। फिर तो वो आता है, उसके बाद दिखाते हैं आपको आगे वीडियो में कि वो कब तक आता है भाई। तो ये आ गए हमारे भाई, जो कि पेड़ काटेंगे। तो ये अभी पेट्रोल डालेंगे इस मशीन में। कितनों का ऑयल डालेगा इसमें? अभी भाई करेंगे पेड़ काटने काम शुरू। कैसे गए जनाब? ये हो गया पेड़ काटने काम। हम निकालेंगे अपने ट्रैक्टर को बाहर। भाई चढ़ रहे हैं ट्रैक्टर के ऊपर, अभी ट्रैक्टर के ऊपर की डालियाँ काटेंगे अब। ये गजेंद्र जी हमारे मशीन पर लेके गए ऊपर। ऊपर चढ़ी आएगा।
अब ट्रैक्टर के ऊपर की जितनी भी डालियाँ है वो ये भाई काट रहे हैं और ये फटाफट कट जाए उसके बाद अपन ट्रैक्टर को निकाल लेते हैं बाहर। और ये भाई चढ़ गया अब ऊपर ताकि पेड़ की डालियाँ आसानी से कट पाए। और ये देखते हैं अब कितना क्या टाइम लगता है इस पेड़ को काटने में। वैसे तो टाइम ज़्यादा ही लगेगा क्योंकि पेड़ काफ़ी बड़ा है, पर ट्रैक्टर के ऊपर के जितने भी पार्ट्स ही अगर कट जाएंगे तो ट्रैक्टर अपना आसानी से बाहर आ जाएगा, फिर इतनी दिक्कत नहीं आएगी। अब ऊपर के सारे हिस्से काटने के बाद ये भाई उतर चुके हैं नीचे, जो कि ट्रैक्टर के साइड वाले जो भी डालियाँ हैं वो काट सके। और ये भाई बहुत ही स्पीड से डालियाँ काटे जा रहे हैं। और ये गजेंद्र भाई जो कि ट्रैक्टर के ऊपर चढ़ रहे हैं डाली पकड़ने के लिए, ताकि जो डाली कटी हुई है वो ट्रैक्टर के ऊपर ना गिरे। और ये देख सकते हैं अभी अगर ये गजेंद्र भाई नहीं पकड़ते तो डाली ट्रैक्टर के ऊपर गिर सकती थी। और ये भाई बिल्कुल लाइन से पेड़ काट रहे हैं, जो डाली है वो पूरी एंड तक कंप्लीट करते हैं, फिर आते हैं वापस ट्रैक्टर के पास और वापस लास्ट तक जाते हैं। और ये जो पेड़ का मोटा हिस्सा है इसको काटने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं क्योंकि टाइम लगता है इसमें, क्योंकि ये जो पेड़ का लास्ट वाला हिस्सा है थोड़ा मोटा रहता है। और ये सब नुकसान की वजह तो आप जानते हैं कि तेज़ आंधी तूफान की वजह से ये सब हुआ है। और ये तो प्राकृतिक चीज़ है, इसको तो कोई रोक नहीं सकता, पर इस बार जो तूफान की जो हवा की गति थी वो इतनी ज़्यादा थी कि आप सोच भी नहीं सकते। मतलब हमने भी इतनी तेज़ गति वाली हवा आज तक नहीं देखी। और ये हवा कुछ भी शुरू हुई थी रात को 12 बजे के समथिंग और ख़त्म हुई 1-1.5 बजे के लगभग तक चली थी पूरी। तो ये ट्रैक्टर का जो इधर वाला हिस्सा है इसके तो पेड़ कट चुके हैं और ये ट्राली के जो भी पेड़ है ये बचे हैं। और उधर वो भाई अभी पेड़ काट रहे हैं ताकि ट्रैक्टर निकलने के जगह बन सके। ट्रैक्टर के ऊपर के पेड़ कट चुके हैं, डाली को फेंकते हैं उधर। लेकिन नाली खोल। ट्रैक्टर कर लिया है मैंने स्टार्ट और इस ट्राली को छोड़ के अब अपन ट्रैक्टर को करते हैं बाहर, क्योंकि अभी ट्राली के जो ऊपर के जो पेड़ है वो तो अभी बाकी है। तो अपन ट्रैक्टर को उधर साइड से खड़ा करते हैं क्योंकि ट्रैक्टर के ऊपर की तो जितनी भी डालियाँ थी वो सब तो कट चुकी है। तो मैं ट्रैक्टर को उधर साइड से खड़ा करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ट्रैक्टर में क्या क्या है। और ये जो पेड़ का जो भी कटा उसका जो बूरा है वो हाथों पर गिर रहा है ऊपर से, क्योंकि पूरी छत पर पेड़ के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। तो यहाँ पे मैं खड़ा करता हूँ और आपको दिखाता हूँ नीचे उतर के ये क्या क्या नुकसान हुआ है ट्रैक्टर में। तो ये हो गया ट्रैक्टर बाहर, ट्राली हमने अभी वहीं छोड़ दी है, वहीं फंसी हुई है अभी। इसमें आप देख सकते हैं नुकसान, ये छत है ये तो पूरा टूट गया है। तो ये आगे बोनेट पर तो कुछ भी नहीं हुआ है, पर ये साइड के जो फेंडर है ये तिरछे हो चुके हैं। और ये आप देख सकते हैं छत का हाल, सबसे ज़्यादा डैमेज आया है यहाँ पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा पेड़ का लोड यहीं पे था, जो मोटे वाली डाली थी वो यहीं पे टिकी हुई थी। और ये वाला फेंडल भी थोड़ा सा नीचे झुक चुका है। तो जो भी नुकसान है वो स्टीयरिंग के पीछे पीछे ही है, आगे कुछ भी नहीं है, क्योंकि ट्रैक्टर थोड़ा सा आगे था, पेड़ का जितना भी लोड आया वो सब पीछे आया, वो ट्राली के ऊपर टिक गया। अगर ट्राली के ऊपर नहीं टिकता तो इस पर और ज़्यादा लोड आता और ये और ज़्यादा नीचे झुक सकता था, पर उधर वो ट्राली पर वजन टिक गया था, इसके कारण जो भी है पेड़ बीच में रुक गया था। और जितना नुकसान हुआ इतना ही हुआ, नहीं तो ट्राली नहीं देती तो और ज़्यादा नुकसान होता। ये आप देख सकते हैं ट्रैक्टर की साइड से कंडीशन, ये ऐसा दिख रहा है साइड से कुछ ट्रैक्टर। और अब काम चलेगा, ये जो ट्राली पड़ी है इसके ऊपर जो पेड़ दिख रहे हैं अब ये काटे जाएंगे। तो ये जो भी डालियाँ आप देख पा रहे हैं ट्राली के ऊपर ये काटेंगे अब भाई। ये भाई अभी लाइन से इधर पेड़ काट रहे हैं क्योंकि सारे पेड़ लाइन से काटने पड़ते हैं। ट्राली के ऊपर जो पेड़ की डालियां हैं उनको काटने का भी काम स्टार्ट कर दिया है भाई ने, एक के बाद एक पेड़ की डालियां काटे जा रहे हैं भाई, जिससे कि ट्राली जल्दी से जल्द बाहर निकाली जा सके। तो ये सारे पेड़ ऊपर के कटेंगे उसके बाद ही ट्राली बाहर होगी। और ये आप देख सकते हैं पूरा पेड़, काफ़ी बड़ा पेड़ था ये। और ये ट्राली का पिछला हिस्सा जिधर की भाई अभी पेड़ काट के जगह बना रहे हैं, क्योंकि जो डालियां हैं वो बिल्कुल सिस्टमेटिक काटनी पड़ेगी जिससे खुद को भी नुकसान ना हो। और ये ट्राली का अंदर का हिस्सा, ये आप देख सकते हैं पूरी ट्राली के अंदर पेड़ की डालियां पड़ी है। और ये ट्राली के ऊपर की बस एक लास्ट डाली बची है, ये कट जाएगी उसके बाद अपनी ट्राली हो जाएगी बाहर। और ये भाई काफ़ी रिस्क से ये डालियाँ काट रहे हैं, इनके ऊपर भी गिर सकती है, पर भाई बहुत सावधानी से काटे जा रहे हैं
डालिया को ताकि उनको खुद को भी कोई नुकसान ना हो। और ये अजीत जी हमारे बिन मतलब ही अपनी ताकत आजमा रहे हैं और डाली को काटने की कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं जिससे कि डाली कट सके। अभी तक कटी नहीं है डाली, काफ़ी ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं ये। आखिरकार गणेश जी ने काटी दी डाली, तो फाइनली ट्राली के ऊपर जितनी भी पेड़ की डालियाँ थी वो सब कट चुकी है और ये भाई अब एक एक करके डालियों को नीचे उतार रहे हैं। बस ये अब एक डाली और पड़ी है ट्राली के ऊपर, ये भी भाई अभी इसको नीचे गिरा देंगे और फिर ट्राली भी हो जाएगी अपनी फ्री बिल्कुल, इसको भी अपन फिर बाहर निकाल पाएंगे आराम से। तो ये जो डाली है ये भी भाई ने गिरा दी नीचे, तो ये आप देख सकते हैं ट्राली के ऊपर के जितने भी पेड़ हैं वो सब गायब। अब बाकी ये जो इधर का हिस्सा ये और बचा है ये और भाई काट देंगे। तो अब इस ट्राली को निकाल लेते हैं अपन बाहर। ये अपने गजेंद्र जी जो कि ट्रैक्टर ला रहे हैं ट्राली अटैच करने के लिए, काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं क्योंकि इनके ट्रैक्टर और ट्राली दोनों पेड़ से बाहर निकल चुके हैं। तो ये ट्रैक्टर ले आते हैं पास में, तो अपन ट्राली को कर लेते हैं ट्रैक्टर में अटैच और फिर करते हैं इस ट्राली को बाहर। ये धीरे धीरे ला रहे हैं गजेंद्र जी ट्रैक्टर, क्योंकि उनको दिखाई नहीं दे रहा ये क्योंकि छत टूट चुकी है। तो करते हैं इसको अटैच ट्रैक्टर में। गजेंद्र जी ने लगा दिया बिल्कुल परफेक्ट ट्रैक्टर। ट्राली का जो निचला हिस्सा है गुड्डाई है इसको ऊपर उठा देते हैं और मेरे हाथ में कैमरा है तो ये भाई मेरी हेल्प कर रहे हैं जिससे मैं प्रॉपर ये लगा सकूं। और ये जुड़ चुकी है ट्राली ट्रैक्टर में, अब इसको करेंगे अपने गजेंद्र भाई बाहर। और ये केरी दिखा रहे हैं मेरे को जो कि इसी आम के पेड़ से नीचे गिरी है। तो ये अपने फाइनली ट्रैक्टर और ट्रॉली दोनों हो चुके बाहर बिल्कुल। ये ट्रॉली के अंदर अभी भी पेड़ के टुकड़े पड़े हैं और ये जो भाई ने पेड़ काटे हैं वो सब लकड़ जो है वो सब इधर साइड से पड़े हैं। और ये इनका अभी शायद पेट्रोल ख़त्म हो गया है मशीन का, तो उसके लिए और पेट्रोल भर रहे हैं ये। और वो गजेंद्र जी ने वहाँ पर साइड से ट्रैक्टर खड़ा कर दिया है, काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं गजेंद्र जी ये, क्योंकि एक दिन और एक रात पूरा ट्रैक्टर पेड़ के नीचे पड़ा रहा। तो ट्रैक्टर बाहर निकालते से ही इनकी मशीन में पेट्रोल ख़त्म हो गया था, तो ये भाई साहब अब पेट्रोल डाल रहे हैं इसमें क्योंकि अभी इतने सारे पेड़ का हिस्सा और बचा है जो कि ये भाई अब काटेंगे और ये सीडिल और कल्टीवेटर भी बाहर करेंगे। तो पेट्रोल डालने के बाद अब ये भाई डाल रहे हैं अपनी मशीन के ऊपर ऑयल ताकि जो वो चेन है वो बिल्कुल परफेक्टली चल सके। तो ये भाई अब ऑयल को सब दूर फैला रहे हैं, ये फैल चुका ऑयल और ये भाई ने अब कर दिया है पेड़ का मोटा हिस्सा काटना शुरू। तो अब ये भाई पूरा ये जो पेड़ बचा हुआ है ये पूरा काट देंगे और ये सीडिल और इस कल्टीवेटर को भी बाहर कर देंगे। तो अब इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। Thanks for watching, like, comment, share and subscribe.